इसीलिए तो वो हमारे खिलाफ खड़ा किए। यदि तालमेल हो जाता, दोस्ती हो जाती, तो काहे को हमारे खिलाफ बयान देते। चूँकि हमारे खिलाफ तो उन्होंने हमको छोड़ा नहीं सीट, हमसे तालमेल नहीं किया। पिछले एक वर्षों से बातें चल रही थी, लालू यादव ने कई बार आश्वासन दिया कि हम लिफ्ट को लेकर के चलेंगे, लेकिन हम लोगों को दरकिनार कर दिया, एक सीट मात्र माले को आरा छोड़ा। तो उनसे फिर तालमेल का क्या सवाल है? तो हमारे खिलाफ तो बयान देवे करेंगे, स्वाभाविक है। तैयारी का जहाँ तक सवाल है, अभी तो आप जानते हैं कि हम तीन सीट लड़ रहे हैं, बेगूसराय के अलावे मोतिहारी और मधुबनी। मोतिहारी में हमारा उम्मीदवार भी प्रभाकर जायसवाल तय हो गया और 7 तारीख को जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक, वहाँ तैयारी शुरू हो गई। मधुबनी का आज से कल तक में हमारा उम्मीदवार का फैसला हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, देन आई विल डिसाइड। मधुबनी में भी हम कार्यकर्ता बैठक करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। तीनों जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक विधानसभा का उपचुनाव हम डेहरी ऑन सोन भी लड़ रहे हैं, विधानसभा का उपचुनाव, वहाँ भी हमारा उम्मीदवार तय हो गया। तो ये हमारी पार्टी का लाइन है और तैयारी शुरू है। ये बात तो सही है कि यदि लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर वोट में डिवीजन होता है तो खमियाजे तो भुगतना पड़ेगा। यदि एकजुट होता पूरा वामपंथ, तमाम जनतांत्रिक और वाम और धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ, तो उसका एक अलग परिणाम होता। जनता के बीच तो अच्छा संदेश नहीं गया, ये बात तो सच्चाई है। बयानबाजी से बचना चाहिए निश्चित, ये तो सबको, हमको भी उनको भी, सबको बचना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने से क्या फ़ायदा? कन्हैया आज तक बोला है राजद के खिलाफ? कन्हैया बोला है, लेकिन मीडिया अपने बोल रहा है, देश की जनता बोल रही है, पूरे बिहार की जनता बोल रहा है। अब अभी रात में हमको जो है यूएसए से फ़ोन आया कन्हैया के पक्ष में, जान लीजिए। एक पूरे देश के अंदर, चाहे वो चेन्नई से, चाहे वो बम्बई से, पुणे से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, लखनऊ से, कोई राज्य ऐसा बचा हुआ नहीं है जहाँ से कन्हैया के पक्ष में